उससे पहले जरा हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जय श्री राम के नाम पर घमासान बहुत तेज हो रहा है। आशिका सिंह की ये रिपोर्ट है कि वहां हुगली में जय श्री राम का नारा लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बताया गया कि हुगली में रेल पार्क इलाके में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होने की वजह से कार्यकर्ता विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे और वहां मास्क बांटने लगे। तभी वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोका और 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत भीड़ जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। इससे पहले 7 फरवरी को भी जय श्री राम लिखा हुआ मास्क बांटने पर बहुत विवाद हुआ था। अब वहीं बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर ममता बनर्जी को घेरा और ट्वीट करके लिखा, देखिए ट्वीट में लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेर दिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम का के मास्क बांटना भी अब अपराध है। अब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या ममता जी के बंगाल में अब जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी होगी? आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। तो एक तरफ बीजेपी का जय श्री राम का नारा गूंजता जा रहा है और दूसरी तरफ लेफ्ट भी अब थोड़ा उग्र हो रही है। बिल्कुल, राम और उसके बाद अब वाम, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपसे बात करूंगी। आनंद, ये कोलकाता का धर्म तल्ला है जिसे बिल्कुल फोर्टिफाई कर दिया है कोलकाता पुलिस ने। अब से थोड़ी देर में लेफ्ट स्टूडेंट विंग जो है यहाँ पर आएगा उसको रोकने के लिए। पुलिस की व्यवस्था देखिए, ये जो फेंसिंग है, एक तरफ बांस की फेंसिंग लगाई गई है, उसके बाद ये एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। यहाँ पर वाटर कैनन भी तैयार हैं, जैसे ही प्रदर्शनकारी आएंगे उनके ऊपर पानी की बौछार की जाएगी। इसके पहले का जो स्टूडेंट्स विंग का, लेफ्ट स्टूडेंट विंग का जो नबानो अभियान था, उस दौरान भीषण हिंसा देखने को मिली थी, तो उससे बचने के लिए इस बार नबानो के काफ़ी दूर धर्मतल्ला में ही कोलकाता पुलिस ने ये बैरिकेड लगा रखा है। और जहाँ तक बात राम की करें, जय श्री राम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तृणमूल भी इसे बुनाने में लगी है, वहीं बीजेपी भी इसको बुनाने में लगी है। ममता बार बार राम का नाम लेती हैं, लेकिन जय श्री राम से उनको चिढ़ है। संकेत साफ है कि राम से परहेज नहीं है, लेकिन जय श्री राम से उन्हें परहेज है। आनंद, देखिए जिस वाम को ममता बनर्जी ने पलटा, आप कहीं राम की वजह से उन्हें शिकस्त ना खानी पड़े। अमिताभ, ये राम और वाम के बीच में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी फंसे हुए हैं। देखिए इतना तो साफ है कि दुर्गा पूजा में पिछले साल पंडाल बैठाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा था। जय श्री राम के नारे लगाने पर अगर पुलिस पकड़ रही है, अगर इस तरह की बातें कर रही है, तो ममता बनर्जी जितना विरोध करेंगी, मुझे लगता है उतना ही हो सकता है कि जनता उतनी ही ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकती जाए। और ये तो साफ है कि ये बीजेपी की पिच है, बीजेपी का मैदान है। अगर इस पिच पर अगर ममता इसी टर्फ पर आकर बाउंसर भी मारने लगे, तो अल्टीमेटली पिच तो बीजेपी की होगी आनंद, और धीरे धीरे रास्ता साफ होता चला जाएगा इससे। जी बिल्कुल। और राम और वाम की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्होंने दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही। अब ये एक और मुद्दा है जो हर कहीं बीजेपी उठाएगी। अब देखा हमने कुछ बिहार में, अब उत्तर 24 परगना में भी ये बात उठने वाली है। अमित शाह ने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा घुसपैठ रोकने की यात्रा है। घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो भाई, बताओ जरा, हो या नहीं हो? आप मानते हो कि ममता दीदी घुसपैठ रोक सकती है? रोक सकती है? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा। इस प्रकार का बंगाल हम बना। आशिका सिंह के पास जाते हैं, क्योंकि घुसपैठ का उन्होंने नजारा किया, उन्होंने आंखों देखी, हमारे सामने रखी भी। आप मुर्शिदाबाद गई थी, उन इलाकों में गई थी जहां पर एनआईए ने कुछ अरेस्ट किए थे, और वहां इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में।
बिल्कुल, बीजेपी का जो आरोप है आनंद वो ये है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर अचानक से वोटरों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़त आई है। डेटा भी हमारे पास रहा है, वो भी हमने दिखाया है कि किस जिले में कितना परसेंट, कहीं कहीं पर तो करीब 11-13% तक जो है वोटरों की संख्या में वृद्धि आई है। बीजेपी ने इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से भी की है, लेकिन उसके बाद अब इस पर कदम क्या उठाया जाता है ये देखने की बात है। राजनीति इसको लेकर के हो रही है, टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वो जो है अपनी ज़मीन नहीं तलाश पा रही है, इसलिए बार बार ये बांग्लादेशी और मुस्लिम वोटर्स का मुद्दा उठा रही है। तो फिलहाल इसको लेकर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर हालात चौंकाने वाले ज़रूर हैं। जी और